रेडमी नोट 5 प्रो के लिए MIUI CS X का वर्स्ट 2.2 एक बिल्ड आया वो एंड्रॉयड 12 का। इसी बिल्ड के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे कि इसके अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिलता है, कोई फ़र्क है बाकी एंड्रॉयड 12 के मुकाबले या नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। एंड हालांकि इसका जो इंस्टॉलेशन है वही सेम रहेगा, बस रिकमेंडेड रिकवरी यूज़ करनी जो कि डिस्क्रिप्शन पर आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि MIUI CX वर्स का 13.0.12 मिलता है जो कि आपका 2.2 जैसे कि बताया गया इसका बिल्ड। एंड ऑल स्पेक्स में चलते हैं तो ये नॉन ओसी है, एंड्रॉइड 12 के साथ ही आता है। सिक्योरिटी पैच अपडेटेड मिलने वाला है नवंबर 2022 का, और कर्नल BIOS सुपर राइजन का CF का वर्जन 4 मिलता है जो कि ये भी लेटेस्ट एक तरीके से आपको मिल जाता है। नॉन ओसी बिल्ड है, ओल्ड कैम है एंड ये बोल्ट हो गया। बाकी इसका जो एनिमेशन है वो आपको ज़रूर थोड़ा इंप्रूव होता हुआ देखने को मिलेगा जितना ज़्यादा आप यूज़ करोगे। स्टार्टिंग में थोड़ा लैग सा रहेगा पर धीरे धीरे 3 से 4 घंटे के बाद आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। हालांकि इसका जो मीडिया लेआउट है इसमें आपको Spotify या फिर JioSaavn का जो है प्ले करते हुए देखने को नहीं मिलेगा, इसका प्रॉब्लम रहेगा। बाकी फिर यहाँ पे जो वायर्ड पार्ट्स है या फिर FPS इन्फो की बात करें तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी इसके टॉगल्स के अंदर में, जो कि बिल्कुल सेम टू सेम जैसे बाकी में मिलता है वही सेम आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा सारी चीज़ें। हालांकि यहाँ पे भी आपका ये सेलिनक्स परमिशी भी है, डायरेक्ट साउंड काम कर रहा है, साउंड गेन भी काम करते हैं। और यहाँ पे अगर हम होम स्क्रीन के विजेट्स की बात करें तो ये सभी लेटेस्ट मिल जाते हैं, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा, आप विजेट्स यूज कर पाओगे अच्छे तरीके से। इंग्लिश में सभी हैं और यहाँ पे वॉलपेपर बेस्ड कलर भी आपका बिल्कुल इस तरीके से काम कर, बस डिवाइस एक बार रिबूट कर देना तो इंस्टेंट अप्लाई हो जाएगा। वॉल्यूम पैनल कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, और जो पावर मेन्यू है वो भी फिलहाल इसके अंदर आपको 3 पैनल वाला ही देखने को मिल जाता है। तो रिकवरी एंड फास्ट फूड ये सब पे भी जा सकते हो। और ऐप ओपनिंग में थोड़ा सा एनिमेशन लैग रहेगा और साथ ही साथ इसके अंदर थोड़े से डिले भी आपको मिल जाता है, तो ये चीज़ ज़रूर रहने वाला है इसके ऐप ओपनिंग को लेकर के अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है थोड़ा सा डिले ज़रूर मिलता है, लेकिन थोड़े बहुत आपको एनिमेशन लैग मिल जाते हैं, बिल्कुल हैवी लैग नहीं है लेकिन थोड़ा आपको लैग ज़रूर देखने को मिल जाता है। वहीं रैम की बात करें तो 4GB के अंदर करीब यहाँ पे 1.6 या 1.7GB तक फ्री मिल जाता है। एंड कॉलिंग के अंदर वॉल्टी काम कर रहा है, कैरियर वीडियो कॉल का बग रहेगा। ब्लूटूथ ऑडियो में आपका मीडिया एंड कॉलिंग दोनों पे यूज़ कर सकते हो। एंड इसके अंदर वाईफाई कॉलिंग फिलहाल वो काम नहीं करेगा। प्रॉक्सिमिटी सेंसर लेकिन बिल्कुल फिक्स मिल जाता है, और जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो अच्छे तरीके से काम कर रही है। अब यहाँ पे अगर हम कैमरा देखें तो कैमरा MIUI 12 वाला ही मिलता है जिसमें AI या फिर वाटरमार्क ये सब तो काम नहीं करेगा। पोर्ट्रेट मोड का भी बग है एंड यहाँ पे जो पैनोरामा मोड है इसका भी प्रॉब्लम आपको मिलेगा। बाकी वीडियो क्वालिटी 1080p60fps तक दी गई है जो कि अच्छे तरीके से काम कर रही है, इसका यूज़ आप कर पाओगे। वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको कोई ग्रीन इशू ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अब यहाँ पे GCam भी मैन्युअली इंस्टॉल करना पड़ेगा, और ओके गूगल है हालांकि उसका बग रहेगा इसके अंदर में, वो काम नहीं करेगा। एंड यहाँ पे आपको जो है FM भी मिल जाएगा, आइकन पे एनिमेशन भी है जो कि ये सारी चीज़ें काम करी है, एनिमेशन काम करी रहा अच्छे तरीके से। FM भी वर्किंग मिल जाएगा, गैलरी लेटेस्ट है बट स्काई नहीं मिलता है। फाइल मैनेजर की बात करें तो फाइल मैनेजर कुछ इस तरीके से मिल जाएगा इसके अंदर, लेकिन SD कार्ड आपका वो भी काम करता हुआ देखने को यहाँ पे मिल जाता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में 90fps वाला ऑप्शन मिल ही जाएगा, और जो प्ले स्टोर है ये हमें यहाँ पे बिल्कुल सर्टिफाइड मिलता है, यानी कि सेफ्टी नेट इसके अंदर बाय डिफॉल्ट पास मिल जाती है, तो इससे भी रिलेटेड दिक्कत वैसे हमें यहाँ पे नहीं मिलती है। तो इस तरीके से सारे आइकन्स मिलते हैं इसके अंदर में। एंड सेटिंग की तरफ चले तो कनेक्शन एंड सेटिंग के अंदर कास्ट का बग है। वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन की तरफ यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो इसके अंदर जो वॉलपेपर्स दिए गए हैं वो आपको यहाँ पे CX के जो वॉलपेपर्स मिला करते थे वो भी मिल जाते, बस थोड़ा सा आपको वेट करना है यहाँ पे, उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है तब आपको सारे वॉलपेपर विजुअल देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारे वॉलपेपर्स हैं जो कि इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। थीम स्टोर वैसे चाइनीज़ में मिलता है बट आप यहाँ पे इम्पोर्ट कर सकते हो, इम्पोर्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, और ये कुछ डिफ़ॉल्ट इसके अंदर थीम मिल जाते हैं जिनको आप चेंज कर पाओगे। वैसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन के अंदर ऑलवेज ऑन काम नहीं करेगा, लेकिन डबल टैप टू बैक को आपको बाकी एंड्रॉइड 12 की तरह यहाँ पे भी ऑफ करके ऑन करना पड़ेगा जब जब डिवाइस रिबूट करोगे। बैक लॉक स्क्रीन 4 नोटिफिकेशन मिल जाएगा, चार्जिंग एनिमेशन है। एंड यहाँ पे अगर आप जाते हो इसके डिस्प्ले की तरफ तो यहाँ पे आपको जो है रीडिंग मोड कलर स्कीम काम करता हुआ मिलेगा, रिफ्रेश 60Hz का मिल जाएगा, रोटेशन काम कर रहा है।
एंड साउंड एंड वाइब्रेशन बिल्कुल सेम रहेगा, साउंड इफेक्ट का बाकी रहेगा इसके अंदर। बाकी नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर में, कंट्रोल सेंटर स्टाइल ओल्ड एंड न्यू के लिए है, स्टेटस बार की सेटिंग मिल जाती है। और फिर यहाँ पे होम स्क्रीन है जिसमें आपको ये मॉडरेट वाला एक तरीके से मिलता है, तो पूरा आप देखोगे तो कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि काफ़ी सारी रोम्स में आपको ऑलरेडी मैं ये सारी चीज़ें दिखाई रखा हूँ। वहीं सिस्टम नेविगेशन की भी सेटिंग्स यहीं पर मिल जाती है, इसमें भी आप स्विच करते हो थोड़ा सा लैग के साथ मिलता है स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा सही भी हो जाता है, बट उतना भी ज़्यादा सही नहीं रहेगा जैसे कि बताया, थोड़े लैग्स इसके अंदर मिलते हैं। तो ये चीज़ रहेगा बिल्कुल प्योर, आपको एकदम स्मूथ ही नहीं मिलता है, लैग के साथ है, थोड़े बहुत आपको लैग मिल जाते हैं इसके अंदर। जेस्चर या बटन आप दोनों में से किसी को भी यूज़ करो। और सेरेंज आइटम इन रीसेंट मिलता है, जिसमें आपको यहाँ पे अलग अलग स्टाइल के आप रीसेंट चेंज कर पाओगे, और रीसेंट से रिलेटेड ही सेटिंग्स यहाँ पे मिलता है, जिसमें आप रीसेंट टास्क साइज ये सब जो है कंट्रोल कर पाओगे। तो ये चीज़ें आपको इसके लॉन्चर के अंदर मिलती है, क्योंकि मॉडर्न आपको लॉन्चर पूरा मिलता है। सिक्योरिटी के अंदर फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक काम कर रहा है, लेकिन जो प्राइवेसी है इसके अंदर आपको इंक्रिप्टेड दिखाता है, बट ये फेक है, बाय डिफॉल्ट ये डिक्रिप्टेड रोम है, यहाँ पे ये फेक जो है इंक्रिप्टेड शो करता है। वहीं बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी थोड़ी सी यहाँ पे इंप्रूव के साथ ज़रूर मिले, लेकिन अभी भी बैटरी बैकअप मैं उतनी अच्छी भी यहाँ पे नहीं कहूँगा, ठीक ठाक ज़रूर मिल रही है, लेकिन अभी भी आपको उतनी अच्छी बैटरी बैकअप गुड यानी कि बोले बिल्कुल तगड़ी वैसी नहीं है। एंड ऐप्स के अंदर में यहाँ पे डुअल ऐप आपको मिल जाता है। एडिशनल सेटिंग्स के अंदर लैंग्वेज की बात करें तो जो ग्लोबल लैंग्वेज है वो पूरी आपको मिल जाती है यहाँ पे, तो लैंग्वेज की दिक्कत नहीं है। रीजन चेंज कर पाओगे, क्लियर स्पीकर है, मेमोरी एक्सटेंशन 2GB तक का मिल जाता है, स्क्रीन टाइम मिल जाएगा। स्पेशल फीचर्स के अंदर में भी यहाँ पे आपको साइड बार या फ्लोटिंग विंडो सेकंड स्पेस यहाँ मिल जाएगा। बाहर में फिर MI अकाउंट है और गूगल अकाउंट है, जो कि सभी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। एंटूटू स्कोर यहाँ पे 171,312 का जो है हमें देखने को इसके अंदर में मिल जाता है। CPU थ्रोटलेट 94% तक का मैक्स परफॉर्मेंस मिलता है, और जो गीगबेंच स्कोर है सिंगल स्कोर 279 है, और मल्टी स्कोर जो है यहाँ पे 1257 तक का देखने को हमें मिल जाता है। अब इसके अंदर जो गेम टर्बो दिया गया है कुछ इस तरीके से मिल जाता है। वॉइस चेंजर इसके अंदर जो दिया गया है, परमिशन दे देना अच्छे तरीके से काम करे वॉइस चेंजर, इसका यूज़ कर पाओगे। और अगर हम चले ग्राफिक की तरफ तो ये भी जो है आपको स्मूथ एंड हाई, बैलेंस हाई और HD हाई तक देखने को मिलता है, तो हम स्मूथ एंड हाई पे खेल रहे हैं। और गेमिंग के मामले में भी यहाँ पे ये भी एंड्रॉइड 12 रोम जो है अच्छा नहीं मिलता है, गेमिंग में आपको काफ़ी दिक्कत मिलती है। तो गेमिंग परफॉर्मेंस फिलहाल यहाँ पे किसी भी एंड्रॉइड 12 नोट 4 में अगर आप देखोगे, MIUI रोम नोट 5 प्रो में MIUI रोम्स जो एंड्रॉइड 12 वाली आ रही, किसी में भी फिलहाल अभी आपको गेमिंग अच्छी नहीं मिलती। एनिमेशन में भी आपको उतने बिल्कुल अच्छे नहीं मिलते, लेकिन हाँ कुछ 2 से 3 रोम हैं जो कि थोड़े एनिमेशन उनके अच्छे मिल जाते हैं, बट गेमिंग देखोगे सिमिलर मिल जाता है। और बग देखोगे तो अभी आपको सिमिलर ही देखने को मिल रहा है अभी सभी में, अगर आप देखोगे एंड्रॉइड 12 की जो रोम आ रही, किसी में कुछ कुछ चीज़ें जो है थोड़ा फ़र्क मिलता है, कुछ ऑप्शन उसमें नहीं, इसमें ऐसा थोड़ा सा आपको फ़र्क ज़रूर मिलता है, बट सिमिलर सी सारी चीज़ें ज़्यादातर आपको देखने को अभी मिल रही, तो वही इसके अंदर भी यहाँ पे मिल जाता। तो बस यही था आज के इस वीडियो में, और जैसे कि बताया इंस्टॉलेशन डिस्क्रिप्शन पे है, लेकिन जो रिकमेंडेड रिकवरी है उसी का ही यूज़ आपको करना है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।